हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रीमियर एस राठौड़। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये कार्टून का खेती है। तो गाइस, जो भी न्यू मेंबर है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये फ़िलहाल 45 डेज हो चुका है, यानी 45 डेज के अंदर है। यहाँ पे ना इससे आ जाती है बीमारी, जैसे कीड़े वगैरह सब कुछ हो जाता है इसमें। स्टार्टिंग में ऐसे दिखे नहीं थे, ऐसे दिखेगा जैसे कि बहुत सारे प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन ये स्टार्टिंग है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो हम इसे पेस्टिसाइड यूज़ करके नॉर्मल कर सकते हैं। ज़्यादातर पेड़ों पे, सभी पेड़ों पे आ जाता है नॉर्मली। और इसे कोई ज़्यादातर बीमारी वगैरह है नहीं, तो नॉर्मली पेस्टिसाइड यूज़ करके ये कर सकते हैं। तो यूज़ करने वाले कॉर्नफेटर यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ कर सकते हैं मोनो यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा सापूरी या फिर इसी पेड या प्राइमिड, ऐसे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं जो यूज़ करके आप ये जो बीमारी है जो सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। एक्चुअली मैं ये जो वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर कॉटन की खेती होती है, तो उसी बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वजह से कि यहाँ पे जो 40-45 डेज के अंदर यहाँ पे इसे भी फूल लगना स्टार्ट होने वाले हैं। अभी नॉर्मली 10-15 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे फूल लगने। कॉटन की खेती ऐसी होती है, तो अभी यहाँ पे इसे पेस्टिसाइड के अलावा बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो अभी फ़िलहाल तो अभी पेस्टिसाइड स्टार्ट करना है, क्योंकि जो भी पहली बार मारे हैं तो नेक्स्ट टाइम मारना पड़ेगा, और फर्स्ट टाइम है तो भी देख के मारना पड़ेगा। वैसे भी पेस्टिसाइड का बहुत ही वैल्यूएबल होता है कॉटन के लिए, तो बहुत ही केयरफुली से मारना पड़ता है पेस्टिसाइड को, क्योंकि देखो कीड़े हो गए हैं बहुत सारे। तो इस वजह से पेस्टिसाइड इसे बहुत ही ज़रूरी है और अर्जेंटली मारना पड़ेगा। तो कैसे लगा ये वीडियो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो मेरे देखने के लिए प्लीज़ जितना हो सके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे। और जितना हो सके आपके फ्रेंड्स फैमिलियों को शेयर कर दीजिएगा।